हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और काफ़ी दिनों बाद मनु आज घर पे आया है, तो मनु की आज मैंने थोड़ी सेवा की। अच्छा। थोड़ी खातिरदारी की मैंने। क्या क्या खाया अभी तूने? चलो फ्रेंड्स, तो आज जो वीडियो है हमारे इंस्टा पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसमें से कुछ एक वीडियोज़ है। तो आज मैंने मनु से पूछा कि यार कौन से वीडियो देखते हैं आज, तो मनु ने 2-3 वीडियो आज निकाले भी थे, तो उसमें से जो पहला वीडियो है वो हम देखते हैं। तो ये है पाकिस्तानी ट्रेन इन स्नो कवर्ड माउंटेन। इसने बोला कि यार स्नो पाकिस्तान में ट्रेन, और वो भी स्नो के साथ, बर्फ़ के साथ, तो कैसी लगती क्या है, तो कुछ फीचर्स हैं ट्रेन्स के, कैसे फीचर्स है, कैसी लगती है पाकिस्तानी ट्रेन्स। इंडियन ट्रेन्स तो देखी है हमने, बैठे भी हैं, पर पाकिस्तानी ट्रेन देखी नहीं है वहाँ पे। तो इस वीडियो के ज़रिए हमें कुछ पता चलेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आप, हमारी रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो मनु ट्रेन में बैठते हैं और मज़ा करते हैं। ओके चलो स्टार्ट कर। शिमला में ऐसे होते ना? नहीं ऐसा नहीं है। शिमला में ऐसा नहीं, शिमला में भी ऐसा नहीं है। स्टेशन बिल्डिंग, बर्फी बर्फ ऊपर हो रहे हो और मस्त है। मैंने कभी देखा नहीं है ना, कभी बर्फ गिरती कैसी वैसे की, तूने देखा है ना? हाँ मैंने। वाओ टनल शिलाबाग, ये सच में पाकिस्तान में? लाइट विजिबल फ्रॉम कोजाक टनल, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो किए हैं वो पाकिस्तानी रोड्स के बारे में किए ना, ट्रेन्स के बारे में अपन ने किए नहीं थे वीडियो। स्नो 3 फीट स्नो जमी हुई है पटरी पे, मतलब ट्रेन आ रही है। स्विट्ज़रलैंड जैसा है ना, जैसे फिल्मों में देखते हैं हमने, जैसे शाहरुख खान की मूवीज़ देखी है हमने, वैसे स्विट्ज़रलैंड में जैसे शूटिंग होती है ना, वैसा लग रहा है बिल्कुल। वाकई में यार इंडिया, अगर मूवी, इंडियन मूवी, बॉलीवुड मूवी की शूटिंग्स हो, उसके लिए लोकेशन परफेक्ट है पाकिस्तान में। बस आपस में पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो बेस्ट लुक देखने को मिलेगा, है ना? बिल्कुल स्प्लेंडेड, मैजेस्टिक, एकदम शानदार। बर्फ पे चलती फिसलती नहीं है, पकड़ हो जाती है ना, पकड़ हो जाती है, इसी तो इंजीनियरिंग बोलते हैं। चल धीरे 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 ही चलेगी, बर्फ में आ रही है, बर्फ को काटते काटते। डीजल इंजन है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली कर नहीं है। ज़्यादा बड़ी नहीं है ट्रेन, छोटी है। ओके बस ये इतना सा वीडियो था, ये तो अच्छा था। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, छोटा सा था, थोड़ा और भी देखने का मन है। मैंने फर्स्ट टाइम में इस टाइप का वीडियो देखा पाकिस्तान में, मैंने भी ना तो कभी सुना है ना कभी कुछ है। थैंक यू जिस किसी भी फ्रेंड्स ने हमें वीडियो भेजा, पर हम थोड़ा और देखना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो प्लीज़ ऐसा कोई वीडियो हो जो हम गूगल पे सर्च करें तो भी नहीं मिले, यूट्यूब पे सर्च करें तो भी नहीं मिले, स्पेशल कुछ ऐसा वीडियो हो जो दिखे नहीं, प्लीज़ आप ऐसा वीडियो सेंड कीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो दिखा है ना, तो इसको पूरा देखना है बिल्कुल, क्योंकि ये जो ये जगह कौन सी है, और यार मतलब बहुत शानदार है ना। ये तो ऊपर वो बैठने का ऊपर कुछ सीढ़ी टाइप है। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म तो हमने देख लिया है, शिलाबाग है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में बर्फ़ गिरती है क्या यार? मैं तो पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बलूचिस्तान में बर्फ़ गिरती? बलूचिस्तान में तो सब डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है, पानी नहीं। यार टोटली कंफ्यूज्ड हूँ वीडियो को लेके, प्लीज़ आप करेक्ट करना कि ये बलूचिस्तान का है कि या फिर नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान का है, किस जगह का है। क्योंकि ट्रेन तो उस साइड नहीं है शायद, इधर बलूचिस्तान की ट्रेन है तो हो सकता है उस साइड का हो, क्योंकि उधर अफगानिस्तान साइड में काफ़ी ऊँची ऊँची पहाड़ है, तो वहाँ पर वैसा माहौल है। मतलब क्योंकि पाकिस्तान है ना, वो उधर से पूरा माउंटेन से कवर है, इधर से हिमालय से हिंदू कुश, काराकोरम से लेके फिर उधर अफगानिस्तान की तरफ भी शायद माउंटेन रेंज है पाकिस्तान की तरफ। अब क्या है कि हम इतना पढ़ाई करते हैं इंडिया के बारे में,
पर थोड़ा पाकिस्तान के बारे में पढ़ने को मिलता नहीं है और कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते हैं तब लोकल अपनी पढ़ाई कराई जाती है ना। तो यार है तो काफ़ी खूबसूरत है ना, बहुत शानदार बहुत है। शानदार। तो मनु तेरे को कैसा लगा? तूने ही पसंद किया था इस वीडियो मेरे को, को तो बहुत मस्त मुझे लगा लगा था। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मैंने कुछ भी होगा, आप पर एक ट्रेन का आना था बस, और रुकी प्लेटफॉर्म पे, लोग निकले और ख़त्म। हाँ तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप बताना ये किस जगह का है, प्लेटफॉर्म है किस जगह का, और वाकई में बलूचिस्तान का है या फिर किसी दूसरी जगह का है। मेरे को तो डाउट पाकिस्तान का तो लग रहा है, क्योंकि ट्रेन और उस हिसाब से उर्दू लिखी हुई है, तो है तो पाकिस्तान का ही है ना, इंडिया का पाकिस्तान तो नहीं है पाकिस्तान के ही यहाँ। ना। तो तेरे को और क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस ट्रेन के हिसाब से, इस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? और अरे अभी सर कैसे बताए, इसमें ज़्यादा कुछ दिखाया भी नहीं है। टूरिज्म, टूरिज्म काफ़ी हो सकता है, हो सकता है। हाँ होगा ही, हो सकता है नहीं कंफर्म है। ऐसी जगह पे तेरे को जाने की इच्छा नहीं हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही तो फिर ये तो बिल्कुल नेचुरली है ना टूरिज्म। तो यहाँ पे टूरिज्म कुछ है या नहीं है, मतलब टूरिज्म तो पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी जगह है देखने की, और वहाँ पे अगर टूरिज्म अगर कम है तो मेरे हिसाब से वहाँ के लोगों को और वहाँ के गवर्नमेंट को मिल के साथ में काम करना चाहिए, और जो लोगों के मन में जो भी कुछ है पाकिस्तान को लेके कि नहीं यार वहाँ पे घूमने नहीं जाना, सिक्योरिटी का मसला है ये वो, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि कुछ होता तो है नहीं, पर एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ होता है कि नहीं यार वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। जैसे कि मेरे घर में अगर 10 मेंबर एक गुंडा निकल गया तो लोग बोलेंगे नहीं उस गुंडे के घर में नहीं जाना, तो माहौल ख़राब हो जाता है, और होता पता चला ये भी गुंडा नहीं है, मतलब घर का मेंबर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो होता है ऐसी चीज़ें, मैं एक एज ए एग्जाम्पल सही दिया नहीं दिया, मजाक कर रहा हूँ जो भी है, पर ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि यार यहाँ पे बिल्कुल टूरिज्म तो होना ही चाहिए नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मनु और कुछ, क्योंकि तू तो बोलता नहीं है ना, दिक्कत वो है, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि यार तू तो बोलता बिल्कुल भी नहीं है, कहीं तो बोले नहीं, बोलते रहो कहीं है तो जाना चाहिए ऐसी जगह, बस मुंडा में आवाज़ नहीं निकला नहीं गई, निकला है क्यों नहीं निकला है, बोलिया कर अभी तो रहे। रोडे नहीं खाती। मैं लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है तब शायद थोड़ा बोला है, ये बोल रहा खाना नहीं खाया अभी तक इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो खाना खाता है रात को 12 बजे, नहीं सुबह कितने बजे उठता है? 10-11 बजे। 10-11 बजे उठता है फिर। अरे मन तुम्हारे मारने वाले चलो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ये काफ़ी शर्मिला है, शर्मिला टैगोर है हमारे। तो फ्रेंड्स और भी कोई वीडियोज़ हो इस जगह के बारे में तो प्लीज़ हमें सेंड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा और देना इसको, ऐसा कोई व्लॉगिंग वीडियो हो इस जगह का, क्योंकि ऐसे रैंडम हमने वीडियो चूज़ किया है, पर वाकई में वीडियो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और ऐसी जो लोकेशन है फर्स्ट टाइम देखी है मैंने, अगर ये पाकिस्तान में ये ऐसी लोकेशन है तो। इंडिया में शिमला में शिमला। शायद हाँ इस शिमला टाइप का मनाली ट्रेन में। व्रेन का कुछ है, वहाँ पे सीन है, बैठे नहीं हम, और उधर नॉर्थ ईस्ट साइड भी है इंडिया में, तो हम तो कभी गए नहीं हैं। और मैं हमेशा हमेशा से ये पहले बोलता रहता हूँ कि हम जिस जगह रहते हैं, हम जैसे कि राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे लिए जो घूमने की जो बेटर प्लेस है वो पाकिस्तान हो सकता है ना, हाँ क्योंकि वो पास में है, पास में। तो वो एक फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता एज ए कंट्री, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एज ए जगह, हमारे पास में कौन सी जगह है, क्योंकि हमारे पास में हम जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का पानी भी हमको सूट करेगा, है ना। क्योंकि हम बिल्कुल, आप साउथ में जा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं साउथ में जाऊँ और महीने भर रहूँ तो मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि वहाँ का सेम क्लाइमेट सूट नहीं होगा, सूट ही नहीं होगा। सूटी फिर नहीं बोलेंगे होगा। यार एक कंट्री में नहीं रह पाते, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो शायद मिलता जुलता ही राजस्थान से है ना, इस राजस्थान। साइड से, और यहाँ उदयपुर में सर्दी भी अच्छी पड़ती है, 0 टेम्परेचर पहुँच जाता है तो सर्दियों में यहाँ पे, क्योंकि हिल स्टेशन है उस हिसाब से। तो होप सो बर्फ़ देखी नहीं है तो शायद पहली बर्फ़ पाकिस्तान में देखने को मिल जाए कभी मौका मिले तो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर और दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारा सपोर्ट कीजिए। और भी कोई वीडियोज़ हो हमारे इंस्टा आईडी पे हम सेंड कर सकते हैं, मनु की और मेरी दोनों इंस्टा आईडीज में, कोई मेरी ये तो कोई वीडियो सजेस्ट करता भी नहीं है, आप काफ़ी सारे अच्छा फ्रेंड भेजते हैं ना, भेजते हैं ना, तो मेरे को भेजते बताता क्यों नहीं है फिर वापस। गलत बात। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।